दुर्गा का वरदान है ये। आज पूरा बंगाल दुर्गामय दिखता है, माँ दुर्गा की पूरी छवि, माँ दुर्गा का वातावरण, माँ दुर्गा की प्रार्थना अर्चना पूजा उपासना आज पूरे बंगाल में घर घर में ही नहीं बल्कि आज कहूँगा पूरे देश में। और अभी आपने जैसा कहा यूनेस्को ने जैसा टैग दिया है हम लोगों को, ये पूरे विश्व में मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संस्कृति, इतना बड़ा धरोहर, इतनी बड़ी चीज़ जो आज दिख रही है, ये जो ग्रोथ हुआ है, मैं तो दुर्गा पूजा में कई सालों से आ रहा हूँ पर अब जो दुर्गा पूजा देख रहा हूँ और आज शोगोतो बाबू ने हमको जो बुलाया है यहाँ पे और आज पहला यहाँ उद्घाटन कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं शोगोतो बाबू का बहुत आभारी हूँ, मैं बंगाल के लोगों का और ख़ासकर कोलकाता के लोगों का, ममता जी का मैं बहुत 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 ही आभारी हूँ। तापुस बाबू हैं यहाँ पे, ये पूजा का ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर अन्य बाबू हैं यहाँ पे, मदन बाबू हैं, सारे लोग ने मिलकर निर्मल घोष और सारा नाम लिख के दे दो मेरे को, सारा नाम बता देता हूँ। इन्होंने ऐसा माहौल एटमोसफियर क्रिएट किया है अद्भुत आदित्य, ऐसा बढ़िया है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, देश में शांति हो, सद्भावना हो और यही प्रार्थना है, कामना है, मनोकामना और शुभकामना आज के दिन। कंसेप्ट का नाम है परिचय, द आइडेंटिटी। किसका ये परिचय है, किसका आइडेंटिटी, हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसका आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। एक्चुअल प्रोस्टिट्यूट जो है ना वो एक प्रोफेशन है, मगर ये तो किसका आँख में है, सिर्फ मेरा इंडिया गवर्नमेंट के आँख में है, मगर आम जनता क्या दिख रहा है, ये क्या प्रोफेशन है। आप बोल सकते हैं कि आप प्रोफेशन में, कौन प्रोफेशन में है, हम बोल सकते हैं, मगर वो क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उसको एक अलग नज़रिए से दिखते हैं। इसीलिए तो ये जो हमारा जो नज़रिया है इसको बदलना चाहिए, इसके लिए टोटल प्रोजेक्ट जो है ये नज़र बदलाने का प्रोजेक्ट है। देखिए अगर वो सब जो करते हैं, जो काम करते हैं, इसलिए हम उनको एक कोना में रखते हैं, हमारा जो सोसाइटी है हमारा सोसाइटी में आने नहीं देते हैं। क्यों आने नहीं देते हैं भैया, अगर उनको वो जो काम है, हमारा काम हम कर सकते हैं, उनका काम वो काम कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकते, कौन काम कराता है, हम ही तो है ना, हम लोग ही है ना, तो हम लोग ही कराते हैं और हम लोग ही उसको साइड करते हैं। मूर्ति की अगर बात करें तो ये है कि देखिए वो तो क्या है कि हर एक नारी के अंदर माँ है, माँ बसा है हर एक नारी के अंदर, वो भी सब नारी है, उसको अंदर जब हम देख सकते, जब देखेंगे कि उसको अंदर भी एक माँ है, तब इस प्रोजेक्ट का परिपूर्णता होगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये जो मूर्ति है वो उसका जो एम्बियंस है वो एक नारी माँ के एम्बियंस है, देखिए टोटल एक माँ के एम्बियंस है, और ये जो माँ का जो एम्बियंस है इसको एकदम टची करने के लिए, एकदम हमारा हार्ट को टच करने के लिए इसको क्या करें, हमने सिलिकॉन रूप दिया, क्योंकि एकमात्र सिलिकॉन ही जो है एकदम प्रोमिनेंट आता है देखने में, तो इसीलिए मेरा माइंड में थॉट आया था कि इसको अगर करेंगे तो सिलिकॉन से ही करेंगे।